नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नव दुर्गा ज्योतिष केंद्र में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि घर में छिपकली को मरा हुआ देखने का क्या मतलब होता है, शुभ होता है या अशुभ होता है, इसके क्या रहस्य है। तो इस जानकारी पाने से पूर्व ही आपसे एक प्रार्थना, एक निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और हमारे चैनल को आप लगातार देखते रहें। इस चैनल पर ऐसी रोचक रोचक जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। चलो मित्रों, देर न करते हुए आपके प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं। अगर कोई स्त्री या पुरुष या कोई बच्चा या बालक अपने घर में ऐसा देख रहा है कि उसे किसी स्थान पर छिपकली मरी हुई दिखाई देती है तो यह एक शुभ नहीं माना जाएगा या अशुभ है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके घर में धन से रिलेटेड कोई परेशानी आ सकती है। आप सावधान रहें और उस परेशानी को आने से हर यथासंभव कोशिश करें। इसके साथ साथ एक संकेत और भी देखने को मिलता है कि हो सकता है आपके घर में किसी प्रकार का कलह, लड़ाई, झगड़ा हो, तो सावधान रहें। छिपकली का मरना शुभ नहीं माना गया है, अशुभ माना गया है। अगर किसी के घर में छिपकली मरी हुई दिखाई देती है, किसी को भी दिखाई देती है, तो उसे सावधान रहना चाहिए। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।